हेलो दोस्तों, आई एम वैष्णवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार डिश जिसका नाम है चिकन पकोड़ा। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक बॉल, फिर हम उसमें डालेंगे 500 ग्राम चिकन। इसे मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया है। फिर हम उसमें डालेंगे 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 से 5 बारीक कटे हुए हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और बारीक कटे हुए करी पत्ता। तो अभी हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच बेसन, फिर अपने स्वाद के अनुसार नमक, और हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे हमें बिना पानी के ही मिक्स करना है। अगर हम इसमें पानी डालते हैं तो पकोड़ा क्रिस्पी नहीं बनता है, तो इसे हमें बिना पानी के ही मिक्स कर लेना है। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, मैंने कभी ये बेसन से सुना नहीं था, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने ट्राई किया। फिर ये अच्छे से मिक्स होने के बाद इसे हमें लगभग 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने रख देना है। अब ये 2 घंटे के बाद अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, और यहाँ पे देखो तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है। तेल को हमें बहुत ही गरम भी नहीं करना है और कम गरम भी नहीं करना है, इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही गरम कर लेना है। और इसे हमें चिकन अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमें तेल को बहुत गरम भी नहीं करना है, अगर हम तेल बहुत ही गरम करते हैं तो फ्राई जलने की भी बहुत ही चांसेस है। तो हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही रखकर अच्छे से पका लेना है। तो ये बहुत ही खाने में बहुत ही क्रिस्पी लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी हम इसे टर्न करेंगे। आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखिए, चेंजेस वेरिएशन बहुत ही ज़रूरी है। तो इसे आप एक बार ज़रूर बना के देखिए, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो मैंने तो बोला था कि ये बेसन का है, मैं नहीं खाऊंगी, बहुत अच्छा नहीं लगता है, कैसा लगेगा क्या मालूम। तो मैंने एक बार खाया तो मुझे बहुत ही पसंद आया। तो आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखिए। अब ये देखो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अभी हम इसे निकालेंगे। तो इसका तेल हमें पूरा निकालना है, बिल्कुल तेल नहीं रहना है, तो इसीलिए हमने टिश्यू पेपर रखा है। अगर तेल नहीं रहेगा तो बहुत ही क्रिस्पी हो जाएगा और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, बहुत ही क्रिस्पी लगता है और खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हम सभी को फ्राई कर लेंगे। अभी ये चिकन पकोड़ा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली बार एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मास्क पहनिए और सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।